भी हमने 10 दिन का आयोजन रखा है, इसमें हम 7 तरह का नशा, अफीम, चरस, गांजा, शराब, किसी भी तरह का हो उसको हम लोग यहाँ पर 10 दिन एडमिट रखेंगे। पहले तीन दिन उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, उनको नॉर्मल करेंगे, बॉडी को डिटॉक्स करेंगे ताकि बॉडी में जितना भी केमिकल जहर है वो बाहर निकले। उसके बाद हम उनको योगा थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी और ऐसी बहुत सी मेडिटेशन है और एक टाइम शेड्यूल देंगे इन 7 दिनों में ताकि वो उस रफ्त में चलें और छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ और आपस में एक एडिक्ट के साथ सबसे बड़ी तकलीफ है वो हमेशा अधिकारों की मांग करता है, जिम्मेदारी का समझता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो नॉर्मल होने के बाद नई सकारात्मक जीवन पद्धति अपनाए और अपने घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएँ। और साथ क्यों आवश्यकता महसूस हुई आपको इससे अलावा क्या और कोई आयोजन किए या आगे भविष्य में करने वाले हैं? इस तरह के आयोजन हमने पिछले साल यहाँ उदयपुर पुलिस के साथ पहल प्रोग्राम किया था, उसमें भी हम लोगों ने 50 ड्रग एडिक्ट का ट्रीटमेंट किया था और वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और वो सारे पेशेंट आज जिम्मेदार नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद तुम्हारे काम कर रहे हैं। और इस तरह का एक संडे में उदयपुर सेंट्रल स्कूल में भी कैंप लगाते हैं सुबह 11 से 2 बजे और भविष्य में भी हमें इस तरह से सहयोग मिलता रहे तो हम आगे भी हर इलाके में, हमारी ये है इच्छा कि हम हर ग्रामीण इलाके में जाए क्योंकि नशे को सब लोग बाग लत मानते हैं, सोगन खिला के उससे छूटना चाहते हैं जबकि ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है। अन्य बीमारियों की तरह इसका भी इलाज है, साइंटिफिक तरीका है, समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं अपने ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में हर तरफ जहाँ पे भी जाता हूँ मैक्सिमम अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। अनंता इंस्टीट्यूट अब से काम करना शुरू कर दिया, ये कर दिया है तो क्या उसका आप बता दें? अनंता इंस्टीट्यूट ने अपनी ओपीडी देखना शुरू कर दिया है, यहाँ पर हम अभी 200 से ऊपर मरीजों को रोज सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हमारी जी। और अनंता इंस्टीट्यूट ने पिछले 1 महीने के अंदर बहुत से छोटे छोटे गाँव में जाकर के हमने कैंप किए हैं, हमारे सारे डॉक्टरों की टीम को हम वहाँ ले जाते हैं, वहाँ मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांचें अभी हम उनको दे रहे हैं हर शनिवार को, हर शनिवार को हम वहाँ पर जा रहे हैं जिससे हमारी अवेयरनेस भी आ रही लोगों के अंदर की। राजसमंद जिले के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल भी खुला है कोई कि अभी अवेयरनेस की जरूरत है लोगों के अंदर कि हमने इतना बड़ा ऑपरेशन ऑपरेट किया है यहाँ पर और फ्यूचर के अंदर हम 750 बेड के अपने साथ में आएंगे। अभी हम 400 बेड ऑपरेट कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर 750 बेड के साथ में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएँ देंगे हम आपको यहाँ पर। क्या फोकस है अभी, किस बीमारी पे ज़्यादा फोकस करना है? सर अभी हमारे पास सारे तरह की बीमारी का इलाज है, हमारे पास में भी हड्डियों के डॉक्टर हैं, हमारे पास में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमारे पास में कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, सारी तरह की बीमारीज है हमारे पास। मेडिकल कॉलेज कब तक चालू रहेगा सर? मेडिकल कॉलेज एज पर जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उसी के बाद पता पड़ पाएगा कि कब से शुरू होगा, जब से हमें गवर्नमेंट का सहयोग कब से मिल पाएगा।